आए दिन एनकाउंटर्स होते रहते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, आत्मसमर्पण होता है, सरेंडर होता है, और इन पे कईयों बार सवाल भी उठते हैं। एक एनकाउंटर हुआ बस्तर में और अब उस एनकाउंटर में सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने एक आदिवासी को मारा है और पुलिस का यह दावा है कि मारा गया जो आदिवासी है वो नक्सली है, 5 लाख का इनामी नक्सली है। ग्रामीणों और परिजनों का ये कहना है कि मारा गया व्यक्ति आम नागरिक था, फर्जी तरीके से उसे मारा गया, पकड़कर मारा गया गांव के बीच। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। बस्तर जंक्शन हमेशा ये कोशिश करता है कि बस्तर की जो ज़मीनी रिपोर्ट हैं, ज़मीनी हालात हैं, आप तक पहुँचाएँ, हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। यदि हमारी रिपोर्ट पसंद आती हो और बस्तर के हालात, ज़मीनी हालात यदि आपको जानना हो तो आप हमारे बस्तर जंक्शन YouTube चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं दंतेवाड़ा में हूँ, बस्तर के दंतेवाड़ा ज़िले में हूँ और यहाँ पे पुलिस ने एक एनकाउंटर किया है और पुलिस का ये दावा है कि मारा गया जो व्यक्ति है वो नक्सली रहा है, उस पर 5 लाख का इनामी रहा है। और ग्रामीणों का, परिजनों का ये कहना है कि मारा गया व्यक्ति नक्सली नहीं, नक्सली रहा ज़रूर, लेकिन उसका एनकाउंटर फर्जी तरीके से किया गया। इसी जगह पे, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पे एनकाउंटर हुआ है। ये वो जगह है जहाँ उस व्यक्ति को मारा गया है। मेरे ख्याल से आपको ये नज़र ना आए मगर ये खून का निशान है इस जगह पे, इसी जगह पे संभवतः नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा कालापन ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हिस्सा है ये खून के निशान है। दरअसल 3-4 दिन बीत गए, इस वजह से वो सूख गया है। ये पूरे ग्रामीण हैं, गाँव के लोग हैं, नीलावाया गांव का नाम बताया जा रहा है दंतेवाड़ा का, यहाँ पे एनकाउंटर हुआ। ये उनके परिजन हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसे मारा गया उसके, और ये उनकी पत्नी हैं। हम जानते हैं किस तरह से पूरा मामला हुआ। ये उप सरपंच हैं, ये अपना नाम रमेश बता रहे हैं। रमेश, करीब आइए, करीब आइए। अच्छा, आपको हिंदी आती है? नहीं आती है? अच्छा, हिंदी नहीं आती आप, चलिए कोई नहीं। आप जो है रमेश हैं, उप सरपंच हैं, ये ट्रांसलेटर की भूमिका अदा करेंगे। अच्छा रमेश, इनसे पूछिएगा क्या कुछ हुआ था उस दिन। उस दिन इन लोग अल चलाने गए थे सर। इनसे पूछिए गोंडी में। बेले बेले तनोने उर्दनाल मत्तमा उर्दना केटे वासो मत्त नन बो मुन्ने वत्तना तना बो फेर निम डोडन लाटो मनु नन फेर के वात नेर मिस मजो बेजारी कता बेदाई का डोड तीन जो इन जो नन डोडा टीम मत ನನ್ನ ಮುನ್ನೆ ವಾಸ ಮತ್ತಂತ ತನ್ನ ಕೇರ್ ಮಿಸ್ ಮಂಜು ವಾಸೋ ಮತ್ತರಸ್ಕೆ ಪೊಯ್ಸ್ ಮಂಜು ಫೈರಿಂಗ್ ಅಲ್ ಜೋತ್ಕೆ ಆ ರೇತೆ ಆರು ಮೈ ಪಹಲೆ ಪಹಲೆ ಘರ್ ಗಿ ಖಾನ ಬನಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆರು ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಓ ಫಿರ್ ಮೈ ನಹಾತೆ ಹುಯೆ ಆಉಂಗಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಓ ಬೋರಿಂಗ್ ಮೈ ನಹಾ ಕೆ ಆ ರಹಾ ಥಾ ತೋ ರಸ್ತಾ ಮೈ ಪಕಡ್ ಕೆ ಮಾರ್ ದಿಯೆ ಅಚ್ಛಾ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮಾ ರಹೆ ಹೈ ಕೋಯಿ ದೇಖಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ ಪೂರೆ ಘಟನಾ ಕೋ ಕೋಯಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೈ ದೇ ಓ ಲಡ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಮೈ ನಹಾ ರಹಾ ಥಾ ಕೌನ್ ಲಡ್ಕಾ ಮೈದೆ अच्छा कौन इधर आइए आप आइए, वो दिक्कत नहीं है, मोबाइल कोई दिक्कत नहीं, कैमरे का दिक्कत नहीं है, वाटरप्रूफ है मोबाइल। अच्छा, आप थे उनके साथ में, संतोष के साथ में जी। पूरा नाम क्या है संतोष का? संतोष मरकाम। अच्छा, आप क्या लगते हैं संतोष मरकाम के? मामा लगते। आपके मामा है वो जी। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? आल जोत क्या रहते हैं, पहले ये बताइए आप थे कहाँ उस दिन? मैं भी आल जोत क्या। अच्छा, उन्हीं के साथ थे? नहीं, अलग अलग आल जोत। अच्छा, कितने दूरी पे थे जब ये घटना हुई थी? 1 मीटर दूरी। मात्र 1 मीटर, मतलब इसी जगह पे थे आप? नहीं सर, घर गए। आप घर गए थे जी। ये बताइए क्या हुआ था? ना क्या रहते सर, फिर पीछे पीछे आके पकड़े। कौन पकड़े? पुलिस लोग। कितने लोग थे? दो लोग थे। दो लोग थे जी। अच्छा, दो लोग पकड़े जी, और फिर क्या किए? मैं फिर उन उसको पकड़े तो मैं घर गया। क्यों गए घर आप? डर गया था सर। डर गए थे जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये मार दिए सर लाके। किससे मारे? बंदूक से। गोली चलाए जी। अच्छा, वो पुलिस वाले कौन थे? मेरे को नहीं पता। नहीं पता आपको? जी। DRG के थे, जिला बल के थे, CRPF, कोबरा, किस उससे? नहीं पता। आपको नहीं पता जी? वर्दी में थे वो लोग जी? वर्दी में थे? सिविल। सिविल में थे जी। सिर्फ दो लोग आ गए जी। तो ये ग्रामीण हैं जिनका ये कहना है कि दो जो पुलिसकर्मी हैं
सादी वर्दी सादी वेशभूषा में आए और संतोष को पकड़कर इस जगह पे मार दिए। पुलिस का यह दावा है कि 5 लाख का इनामी नक्सली है संतोष। चलिए एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, वो नक्सली है या नहीं। रमेश आइए, ये उप सरपंच है। रमेश ये बताइए, संतोष क्या नक्सली है? नहीं है सर, वो जब कैंप आया ना तब से घर में रहता था, ऐसी संगम सदस्य था। संगम सदस्य? संगम सदस्य मतलब? तो मतलब उनका मतलब ऐसी था, तो उसके बाद वो छोड़ दिया। उसके बाद वो संगम सदस्य था, वो कैंप आया तो पूरा छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ पूरा टोटल एकदम जी संगठन से पूरा छोड़ दिया था। माओवाद संगठन जी? अच्छा, संगम सदस्य मतलब वो हथियार रखता था क्या अपने साथ? उन लोगों के पास नहीं रहता। अच्छा, कितने सालों से उसने माओवाद संगठन से नाता छोड़ दिया? मतलब हो रहा है सर 5 से, मतलब 2 साल 3 साल से, 3 साल हो रहा है। 3 साल जी, जैसा कैंप जैसा 3 साल हो गया, उसी समय शुरू बैठा तो छोड़ दिया। अच्छा, जो मारे हैं संतोष को, संतोष मरकाम ना जी, संतोष मरकाम को जो मारे हैं लोग, वो कौन थे? DRG के जवान थे, CRPF के थे? मैं भी उतना मैं नहीं देख पाया हूँ सर, मतलब क्या है कि मैं खाना खा रहा था अंदर में। अच्छा, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ही मारी है? मतलब ये जो देखे वाले है ना सर। अच्छा, पुलिस तो खुद कह रही है कि हमने मारा है जी। अच्छा, पुलिस तो ये भी कह रही है कि जंगलों में मुठभेड़ हुआ है, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि ये गाँव के बीचों बीच मारा है। क्या बोलते हैं, अभी उनको पकड़े थे, उन लोगों को लेके बुला के ले आता हूँ। किनको पकड़े थे? जो ये संतोष को पकड़ के वो लोग पुलिस वाले पकड़े, तो मतलब छुड़वाने के लिए। अच्छा, जो छुड़ाने की कोशिश भी किया गया जी? कौन किए? वो दो लेडीज लोग, 3 जने। अच्छा, महिलाएं हैं जी? ये जब संतोष को पुलिस वाले पकड़े तब महिलाएं यहाँ से आए और उसको छुड़ाने की कोशिश किए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अब उन लोगों को अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आप ले आइए। बहरहाल तब तक हम जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बस्तर में लंबे समय से काम कर रही हैं, वकील हैं बेला भाटिया, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 दिनों से इस गांव का दौरा कर रहे हैं हम। नीलावाया पहुंचे और करीब 2 घंटे बाद, हमारे पहुंचने के 2 घंटे बाद बेला भाटिया जी पहुंची हैं और कल से ये लगातार आ रही हैं। इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ, सूक्ष्मता के साथ देखने समझने की कोशिश कर रही हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप बेला जी, आप फैक्ट फाइंडिंग किए होंगे संभवतः, और आपने क्या देखा? देखिए, इसमें जो अभी तक मैंने समझा है वो ये है कि संतोष एक गांव के ही अपने एक व्यक्ति के साथ मंगा करके, उसका नाम है, ये लोग सुबह में हल जोत कर ये लोग गांव वापस लौटे, और फिर जो गांव में पटेल पारा में ही एक बोरिंग है वहां जाके ये लोग नहाने के लिए वहां पहुंचे। तो वहाँ पे पहले से भी ऐसे लोग, एक व्यक्ति है सुनील जो वहाँ पे कपड़ा धो रहा था, वो भी ये बात कह रहा है। उसी समय वहाँ पे सचिव भी आए हुए थे गांव के, तो वो भी उस वहाँ पे आए हुए थे क्योंकि लोगों को प्रेरित करना था, क्योंकि नीलावाया के लोगों को समेली गांव ले जाना था टीकाकरण के लिए, तो इसलिए सचिव भी वहाँ उसी जगह आए हुए थे। तो फिर वो लोग ये कहते हैं कि संतोष और मंगा वहाँ पे नहाए, और नहाने के बाद वो जब जाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 2 लोग एकदम सादी वेशभूषा में, ये चड्डा पहने हुए थे दोनों, और वो लोग मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे। और सचिव बोले कि हम तो उनको नहीं पहचान रहे थे, हम इसलिए मुझे भी भय लगा, ऐसा सचिव खुद बोलते हैं कि हम मुझे भय लगा और मैं एक घर के अंदर जाके मैं बैठ गया। जवान तो आमतौर पर बस्तर में अब AK-47 लेके चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनके पास बंदूक नहीं था क्या, हथियार नहीं था क्या? आप जैसे बता रहे हैं कि गोलियां चलाई गई, परिजन और ग्रामीण बता रहे हैं, तो किससे चलाया गया गोली? तो जो भी लोग वहां थे वो लोगों का ये कहना है कि, और सचिव ने भी ये कहा है कि 10-15 मिनट में, मतलब उसको थोड़ा भगाए वो लोग एक जगह और पकड़े, फिर उसको बांधे, फिर उसको एक घर के वहाँ आंगन तक वहाँ ले गए, और थोड़ी दूर में फिर वो लोग आवाज़ सुने, गोलियों की आवाज़। और वहाँ पे हम लोग कल उस स्थान को देखे जहाँ पे वो मरे हैं, जहाँ पे हम आज यहाँ पे खड़े हैं यहाँ। अच्छा, पर आप अपने हाथ में ये मैं पकड़ी हूँ, तो वहाँ से आइए रमेश पास आइए, परिवार और इसको दिखाइए। ये जो जगह है, ये जिधर से वो बोरिंग के पास से ही वो लोग पकड़े थे उसको, वहाँ से उसको दौड़ाकर यहाँ तक लाए, और फिर यहाँ पे उसको वो लोग मारे हैं। अब ये जो है, इसका हम लोग ने कल देखा है, इसके ऊपर 9 mm लिखा है, तो 9 mm जो होता है वो पिस्टल होती है। हाँ, तो ये जो 5 खोखे हैं ये 9 mm पिस्टल के द्वारा फायर किए गए हैं।
फिर लोग ये भी बताते हैं कि जब वो मर गया, यहाँ पे गिर गया, तब सरपंच खुद और बाकी लोग, और वो उसको मारे, उसके पहले महिलाएं उसको, तीन महिलाएं उसको छुड़ाने की कोशिश की, और फिर उनको भी वो लोग छीन लिए उससे, और फिर संतोष को उनके सामने ही मारा गया है। तो संतोष की जो हत्या हुई है उसको तो बहुत लोगों ने देखा है, मतलब ये बहुत लोग उसके गवाह हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब गोलियों की आवाज़ आई, उसके बाद कुछ ही मिनटों में इसी तरह की सादी वर्दी वाले कई लोग आ गए तुरंत, और बॉडी के पास जो लाश है, लाश के आसपास सब आ गए, और उसके कुछ और 10 मिनट में वर्दी वाले आ गए, और वो लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट में। अच्छा, ये ग्रामीण आपको बताएं? ये ग्रामीण हमें बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरे फोर्स थी, जिसमें वर्दी वाले भी थे और सादे ड्रेस वाले भी थे, ये लोग इसी एरिया में ही थे। अच्छा, है ना। आज भी जब मैं आई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आज भी एकदम गांव के इधर ही फोर्स कल शाम से लगी है, क्योंकि कल जब मैं वापस गई दंतेवाड़ा, तब भी यहाँ पे पूरा DRG का एक बल, पूरा एक ग्रुप, मुझे लगता है कम से कम उसमें 60 जितने होंगे DRG, उधर पहले भी जवान नजर आ रहे थे और कल उनके साथ TI भी थे, अरनपुर के TI भी थे उनके साथ में। तो कल से और अभी हम जब आए तब भी वो लोग थे, तो उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि वो लोग पूरी रात से यहीं थे। तो उसी तरह मुझे लगता है उस दिन भी, 27 तारीख जो घटना का दिन है, और ये तो सुबह के समय, मतलब तकरीबन 11-12 बजे की घटना है, तो उस दिन भी ये लोग जैसे आज ये लोग हैं, उस दिन भी ये लोग वहाँ ही रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। इसीलिए ये लोग इतना जल्दी। बेला जी, ये जो खाली कोके हैं, ये तो पुलिस के पास होना चाहिए था, आपके पास क्या कर रहा है ये? इधर गिरे हुए मिले हमें जी। तो कल जब हम लोग यहाँ स्थान को देख रहे थे, तो हम देख रहे थे खून के धब्बे क्या हैं यहाँ पर, इस तरह का हम लोग थोड़ा देख रहे थे। तो उसी समय लोगों ने ही ढूंढ ढूंढ कर ये निकाले। तो आपने पुलिस को नहीं दिया ये अभी तक? तो पुलिस को नहीं दिया गया है, लोग ही, ये तो मेरे हाथ में अभी है, मगर ये सरपंच के हाथ में ही रहेगा, और फिर लोग तय करेंगे कि वो पुलिस को देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा होता है कि जैसे इनकी लाश, लोगों के पास में कुछ सबूत नहीं रहता है ना, तो इसमें जैसे अभी उनकी लाश के पास आसपास किसी को भी आने नहीं दिए, जैसे ही वो संतोष जो कुछ ही मिनटों में लाश बन गया, मतलब एक तरह से फिर वो लाश बन जाती है, फिर उस लाश को वो लोग तुरंत एक तो सादी वर्दी वाले सराउंड कर दिए, फिर वर्दी वाले आ गए, फिर सरपंच वो सब भी जा रहे हैं लाश के पास, किसी को जाने नहीं दिए, परिवार वाले को भी उसको छूने, बहुत मुश्किल से उसको छूने दिए परिवार वाले को, जैसे अच्छा। उनकी पत्नी सुखी और ये लोग सब भाग के गए, छूने नहीं दिए। फिर अच्छा, वो पैसा भी था संतोष के पास? हाँ, पैसा भी था ऐसा कुछ देर पहले, कुछ देर पहले हम जब ग्रामीणों से बात कर रहे थे, दरअसल यहाँ पहुँचे हमको करीब 3 घंटे बीत गए हैं, और ग्रामीण हमें बता रहे थे कि संतोष के पास पैसा भी था जी, ये आपको बताया गया जी, होगा जी। और उन पैसों पे मेरे ख्याल से खून भी लगा हुआ है जी, ये पैसे। हाँ, ये देखिएगा, खून के निशान आपको नजर आएंगे, माफ कीजिए, ये देखिएगा जरा, करीब से दिखाइए, ये खून का निशान है, ये कुछ पैसे हैं, कितना है मैम, कुछ पता चला आपको? हाँ, वो 21,000 बता रहे थे। अच्छा, इतने पैसे संतोष के पास क्या कर रहे थे मैम, जब वो नहा कर आ रहा था? तो नहीं, मतलब उसके पॉकेट में, उसके शर्ट में होगा वो। अच्छा, तो वो ये इतने इतना बड़ा अमाउंट लेके वो खेती किसानी करने जाएगा मैम? पता नहीं मुझे कि वो खेती किसानी करने के बाद उसके पॉकेट में उसने लिए थे। उप सरपंच महोदय, इधर आओ, वो शायद ये बता पाए बेहतर तरीके से। आइए उप सरपंच जी, आइए। नहीं नहीं नहीं, ये पैसे उसके यहाँ क्या कर रहे थे? हल से लाने के लिए उधारी लिया था, ट्रैक्टर जोतवाने के लिए। अच्छा, उधारी लिए थे? उधारी लिए थे। किन से? किन से उधारी लिए? पैसे किससे उधारी लिए थे? अरयन कुराम के। ये कौन है? अरयन कुराम। अरयन कुराम गाँव के रहने वाले हैं जी जी। चलिए ठीक है, ये आप पैसे रखिए, ये पैसा मैं खुद बॉडी मत ले जाओ करके मैं बोल के देखा हूँ सर। अच्छा, आइए आइए। हाँ हाँ हाँ, बताइए। ये सरपंच जी हैं, सरपंच जी पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? सुकेश कुमार खवासी। हाँ हाँ हाँ, बताइए। ग्राम पंचायत नीलावाया, सुकेश कुमार खवासी, मैं यहाँ का सरपंच हूँ। जो यहाँ ये पैसे ना, मतलब मैं लाश को मैं बोल के देखा हूँ, लेकिन इन लोग लाश मत ले जाओ करके बोल के देखा हूँ, लेकिन मैं इतना लड़के देखा हूँ,
लेकिन मैं घर में खाना खा रहा था, उसी समय ठाए 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 आवाज आया। उस समय मैं बोला कि क्या हो गया यहाँ, फिर कहाँ हो, क्या कर रहे यार, करके मैं आया हूँ। उसके बाद यहाँ फिर लेडीज लोग बोले कि अरे यहाँ संतोष को मार गिरा दिया करके, ऐसे कैसे गांव में मार गिरा दिया यार, हाथ में पकड़ लिया ना सर, मतलब उसको पकड़ में ऐसे हाथ में पकड़ लिए आदमी को, मतलब कम से कम उसको गिरफ्तार करना था, कुछ भी करना था, लेकिन उसको जेल करना था, कुछ भी करना था, हम लोग मारना नहीं था, लेकिन ये ऐसे घटना क्यों करना, ये यहाँ घटना किया और पुरदेन में क्यों घटना बोल रहे कि जंगल में, पुरदेन जंगल में, अच्छा, जंगल में मारे हैं बोल रहे हैं, जी 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 वही वही सबूत बता रहे हैं सर, मतलब हम बोल रहे हकीकत हम यहाँ आमने सामने। अच्छा, ये बताइए सरपंच जी कि जो जिन्होंने मारा है वो DRG के जवान हैं, कोबरा के हैं, CRPF के हैं, किसके हैं? नहीं DRG बोलते हैं सर, DRG वाले आए थे। आपको कैसे पता हो DRG के? मतलब सादी वेशभूषा में तो मैं ऐसे निकल, ऐसे मैं जैसे पहना हूँ ऐसे चड्डा में आए थे सर उन लोग। नहीं नहीं ठीक है, चड्डा में आए हैं वो तो CRPF के लोग भी आ सकते हैं ना। CRPF कोई नहीं आए थे सर, DRG के आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? तो हमको तो इन लोग बोल रहे कि उन लोगों को देखे वाले लोगों को छुड़ाने वाले मेरे को बता रहे कि वहाँ से बताए पकड़ लिए, उन लेडीज लोग भी बोल रहे कि उसको पकड़ के मतलब ऐसे नहीं। सरपंच जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कैसे दावे के साथ कह रहे हैं कि वो DRG के जवान हैं? जी कैसे कैसे कह रहे हैं? तो उन लोग बोले कि मतलब DRG वाले उन लोग खुद पकड़ लिए थे, उन्हीं लोग बता रहे कि हम लोग खुद उनके शक्ल देख लिए करके। अच्छा, जो प्रत्यक्षदर्शी दो महिलाएं हैं जे, जे, वो बता रहे हैं जे, जे, उन लोग खुद मारे। अच्छा, ये बताइए CRPF के जवान होते तो ऐसा मारते क्या? नहीं मारते सर, मतलब उन लोग CRP कुछ भी करते मारते नहीं, कुछ गोली नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, लेकिन मार पीट के पूछताछ करके उन लोग अंदर भी करते कुछ भी करते, गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करते, लेकिन ऐसे जान से नहीं मारते, जान से नहीं मारते सर। इन लोग DRG वाले इधर से भी खून का है, उधर से भी खून का है, ऐसे टाइप का इन लोग कर रहे हैं। इधर से भी उधर से भी समझे नहीं हम जी जी, मतलब समझे नहीं हम, मैं तो नहीं समझा, इधर से भी और उधर से भी इसका क्या मतलब हुआ? तो इधर से नक्सली से भी काम किए और इधर अभी वहाँ नक्सली से काम करवा के वहाँ भी DRG में इन्हीं लोग को वहाँ जाके भर्ती हो रहे सर। अच्छा जी जी, आप ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं इन्हें ये पता होता है कि गांव में कौन माओवाद संगठन के लिए काम किया है? लाइए इनके लिए छाता लाइए, सरपंच जी भीग रहे हैं, बताइए। हाँ जी, तो आत्मसमर्पित जो नक्सली होते हैं इन्हें ये पता होता है कि माओवाद संगठन के लिए किसने काम किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो ये सर मतलब पहले छोटा मोटा काम कर रहा था, लेकिन अभी तो नहीं कर रहा था, जैसे पोटल कैंप आया जैसे नहीं कर रहा था। चलिए, तो ये सरपंच थे, परिजनों से भी हमने बात करवाया, उप सरपंच से बात कराया, वकील से बात कराया। दरअसल ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर ये आरोप है कि वो माओवाद संगठन में जरूर था संतोष, जिसे नक्सली 5 लाख का इनामी नक्सली पुलिस बता रही है, बस्तर पुलिस। और ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि हाँ वो माओवाद संगठन में जरूर था, लेकिन जब उसे मारा गया तब तक वो माओवाद संगठन से नाता तोड़ दिया था। कब मारे? 27 जून मैम, 27 जून 27 जून को उसे इस जगह पे मारा गया। और ग्रामीणों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो मारा गया इंसान है, आदिवासी है, वो माओवाद संगठन से नाता छोड़ चुका था और पुलिस ने एक एनकाउंटर की फर्जी कहानी बनाकर लोगों के सामने इस पूरे मामले को रखा है। दो लोग सादी वेशभूषा में आए और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिए, गोलियां चलाई, 9mm के खाली खोके हमको दिखाए गए। तो बहरहाल जब इस तरह के मामले निकल कर आते हैं, जाहिर सी बात है ये जो लोग बारिश में भीगते हुए खड़े हैं, समझिएगा कि गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई है या एक व्यक्ति मारा गया, लोग जो है बारिश में भीगते हुए यदि यहाँ खड़े हैं, मतलब साफ है कि इनमें यूनिटी है, एकता है। जब इस तरह का मामला निकल कर आता है तो ना केवल उस परिवार का बल्कि पूरे गांव का विश्वास पुलिस और सरकार से उठ जाता है, जिसका सीधा फायदा माओवादी उठाते हैं।
सरकार को ये चाहिए कि ऐसे मामले बस्तर में ना हो, क्योंकि ऐसे ही मामलों की वजह से माओवाद एक तरीके से बस्तर में मजबूत हो रहा है। सरकार से लोगों का विश्वास जो है उठता जा रहा है, आदिवासियों का विश्वास उठता जा रहा है इसी तरह के मामलों की वजह से। पुलिस को भी ये चाहिए कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग पे ज़्यादा ध्यान दे, इन आदिवासियों अंदरूनी इलाके में जो आदिवासी हैं उनकी इस तरह से कम हत्याएं ना हो, इस पे भी काम करना चाहिए पुलिस को, ताकि बस्तर से माओवाद का खात्मा हो सके। बहरहाल इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो आप जो है हमारी स्टोरी को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।